I'm Lokesh Nagar. Welcome to Start Growing YouTube channel. पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन वायुसेना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 8 अक्टूबर को मनाया गया और किस जगह पे मनाया गया? गाजियाबाद में वायुसेना दिवस मनाया गया। वायुसेना की बात हुई है तो वायुसेना के प्रमुख हमें पता होना चाहिए, उनका नाम है बीएस धनोवा, ठीक है। और वायुसेना की अगर रैंक की बात करें तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे है यूएसए, सेकंड रैंक पर है रूस और थर्ड रैंक पे है चीन और फोर्थ रैंक पे आता है अपना भारत। और वायुसेना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। और अक्टूबर की दो डेट भी इम्पोर्टेंट है, वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? किस देश के दौरे पे गए हुए हैं? वो है ताजिकिस्तान देश की यात्रा पर गए हुए हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी की बात करें तो वो है तुशानवे, मुद्रा की बात करें तो वो है सोमानी और राष्ट्रपति के नाम की बात करें तो वह है इमोमाली रोहम्यो। राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमोमाली रोहम्यो। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समुद्री अभ्यास है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2018 शुरू किया गया, ये किसके साथ शुरू किया गया? ये है जापान देश के साथ, भारत का ये अभ्यास है। जापान की बात करें तो वहाँ की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की मुद्रा है येन और वहाँ के जो पीएम है उनका नाम है शिंजो आबे, ठीक है। और जो ये समुद्री अभ्यास है वो कहाँ पे किया गया? वो भारत में किया गया, वहाँ वो कौन सा शहर है? वो है विशाखापट्टनम शहर में ये जिमेक्स 2018 भारत के साथ अभ्यास शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लड़कियों की IBSF वर्ल्ड अंडर 19 स्नूकर चैंपियनशिप को खिताब किसने जीता? किसने जीता है ये? यह जीता है कीर्तना पांडियन ने जीता है, ठीक है। और IBSF की बात हुई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन, ठीक है। और जो IBSF ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये रूस में आयोजित की गई है, ठीक है। किसने जीता ये खिताब? कीर्तना पांडे ने ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। और ये रूस में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का हॉल ऑफ फेम लेजेंड को किससे नामित किया गया? किसको नामित किया गया? उनका नाम है रिची बेनाउड, ठीक है। और इनकी मृत्यु अभी अप्रैल में ही हो गई थी, इनको मृत्यु उपरांत यह इसके लिए नामित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 29 योजना का अनावरण किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? कर्नाटक राज्य में 29 योजना का अनावरण किया गया। 29 योजना की बात हुई है तो ये किसके बारे में है? यह है STSC उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चालू किया गया है, ठीक है। और ये कर्नाटक राज्य में ही, तो अपन को कर्नाटक राज्य की बाकी चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे वहाँ की राजधानी क्या है, वो है बेंगलोर, CM कौन है? SD कुमारस्वामी और गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। मैं पिछले वीडियो हूँ कि कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? वो है कर्नाटक राज्य का ही प्रथम स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निर्माण कुसुम योजना किस राज्य में शुरू की? किस राज्य में शुरू हुई है? यह उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। अब निर्माण कुसुम योजना की बात करें तो किस बारे में निर्माण कुसुम योजना? यह है श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए, जैसे कोई डिप्लोमा कर रखा है किसी ने या किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो उनको आर्थिक मदद देने के लिए, जिनको 25 से 26 हज़ार रुपये देने की मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। क्या नाम इस योजना का? निर्माण कुसुम योजना। निर्माण उनका निर्माण, जो श्रमिकों को बच्चे उनको किसी आर्थिक रूप से उनका निर्माण करने के लिए इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। अब उड़ीसा राज्य में शुरू किया तो उड़ीसा राज्य के अपन को बाकी करंट अफेयर्स पता होना चाहिए और वहाँ की जो राजधानी हमें पता होना चाहिए, CM पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए। राजधानी की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, CM की बात करें तो वह है नवीन पटनायक और गवर्नर की बात करें तो वह है गणेशी लाल। और यहाँ के द्वीप की बात करें वो है विलर द्वीप, इसका नाम बदलकर अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और चिल्का झील जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झीलों में उड़ीसा की, तो ये कहाँ पर है ये झील? यह झील भी उड़ीसा में ही है।
और झील का निर्माण कैसे होता है? ये समुद्र के पानी की ये झील है जो समुद्र के पानी से ये बनी होती है। ये काफ़ी बड़ी झील है उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक साइंस में नोबल पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबल प्राइज का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी सभी एग्जाम नहीं है जहाँ पे नोबल प्राइज का क्वेश्चन नहीं आता हो। एसएससी, रेलवे, बैंक, हर जगह नोबल क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर इकोनॉमिक्स का हो। किसको दिया गया? ये विलियम डी नॉर्डहॉर्स्ट को दिया गया है और साथ में पॉल एम रोमर्स को भी दिया गया है। इन दो जनों को इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और युवा ओलंपिक खेलों की बात हुई है तो ये कहाँ पर आयोजित हुए? मैंने पहले बता चुका हूँ, ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप 2018 किसने जीता? किसने जीता? ये अपने भारत ने ही जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है ढाका में, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। और किसको हराकर जीता है? ये भी हमें इम्पोर्टेंट है, वह है श्रीलंका को हराकर भारत ने इस खिताब को जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? कितने पदक जीते भारत ने? 5 पदक भारत ने जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? बैडमिंटन एशियन जूनियर म्यांमार में हुआ है। और म्यांमार की बात करें तो वहाँ का अपन को राजधानी पता होना चाहिए, वहाँ की राजधानी है नेपिडा। मुद्रा की बात करें तो वह है बर्मिस क्याट, और राष्ट्रपति की बात करें तो है विनमिंत। ठीक है, अभी म्यांमार का करंट अफेयर काफ़ी चर्चाओं में है, वह है आंग सांग सू की। आंग सांग सू की कौन है? यह है स्टेट काउंसलर है जिनको अभी कनाडा सरकार ने नागरिकता रद्द कर दी है। और किस वजह से रद्द की है? वह है रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे की वजह से इनकी नागरिकता रद्द की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीन का ओपन खिताब अभी किसने जीता है? वह जीता है कैरोलिन वोजनकी ने जीता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स।